राधे राधे, जय श्री राम, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 7, हम उठ चुके हैं और अपने पति देव को गाड़ी मुन्नी खींचे जा रही है। उठो मीनू, रेखा और मेरे पति देव सो रहे हैं। गुड मॉर्निंग बोलो। और ये हमारा आज पहला व्लॉग है, आज तक क्योंकि मुझे इतनी जानकारी नहीं है यूट्यूब की, तो आज हमारा पहला व्लॉग है। नमस्ते राधे राधे, मैं नहा चुकी हूँ, रेडी हो चुकी हूँ, बच्चे मेरे पति देव भी रेडी हो चुके हैं सब। अब पूजा होने वाली है तो बाद में आपको दिखाएंगे, पहले बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। ठीक लग रही है आपकी भाभी? नमस्ते राधे राधे। हाँ तो दोस्तों, हमारे घर पर पूजा शुरू होने वाली है और नामकरण होने वाला है, पूजा होने वाली है। हमारा घर परिवार पूरा रेडी हो चुका है। गुरुदेव भगवान की जय। प्लास्टिक की गिलास वाले भीतर थे। आप ब्राह्मण है, आप ब्राह्मण की संतान है, अपने मुखारविंद से बतलाइए। मैं ये सब सुनना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर किस काम के लिए पधारे हो, क्या कारण है, उन्हें संकोच करो। बारंबार प्रार्थना करने पर वो कहने लगे, तो भगवान विष्णु जी कहने लगे कि हे नारद जी, आप अपने मुख से बतलाइए, मैं ये सब सुनना चाहता हूँ। तो वो कहने लगे, प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, आप ही बतला दें। तो भगवान की बारंबार विनती करने पर श्री नारद जी कहने लगे कि प्रभु, श्री सत्यनारायण भगवान का अति उत्तम व्रत है, इसे मनुष्य आयु बंद करने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री विष्णु भगवान जी के वचन सुनकर के नारद मुनि बोले कि प्रभु, इस व्रत का क्या फल है, क्या विधि है, क्या विधान है, और इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, किस दिन नहीं करना चाहिए, आप विस्तार से बताइए। भगवान, एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और ब्राह्मण के मकान के बाहर लकड़ियों का गट्टर रख करके वह ब्राह्मण के मकान के अंदर गया। क्यों गया? वहाँ पर पानी पीने के लिए जब वह ब्राह्मण के मकान के अंदर गया लकड़ियों का गट्टर बाहर रख करके, तो वह वहाँ पर जाकर के क्या देखता है, वहाँ पर वे भगवान श्री सत्यनारायण स्वामी की कथा होती हुई देखी। कथा सुनी, कथा सुनने के बाद प्रसाद ग्रहण करने के बाद पंडित जी महाराज से हाथ जोड़ करके पूछने लगा, कहने लगा कि हे महाराज, यह आप क्या करा रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपया करके मुझको बतलाइए, मैं ये सब सुनना चाहता हूँ। कृपया करके मुझको बतलाइए, मैं ये सब सुनना चाहता हूँ। तो पंडित जी महाराज बोले कि श्री सत्यनारायण भगवान की कथा व्रत में पूजन किया जा रहा है, आज मैं जो भी पूछूं सब आज इन्हीं की कृपा है। मेरे घर में अन्न धन के भंडार, खुशियों के भंडार, आज मैं जैसा भी हूँ सब आज इन्हीं की कृपा है। तब बूढ़ा लकड़हारा बोला कि हे पंडित जी महाराज, मुझको भी आप इसका सारा विधि विधान बताइए और मैं भी आपके बताए अनुसार इस व्रत को करूँगा। पंडित जी महाराज ने उनको सारा विधि विधान बतला दिया। तो वह बूढ़ा लकड़हारा व्यापार से निवट करके शाम के समय जब अपने घर पर पहुंचा तो उसने भी हाथ पे जल लिया। हाथ पे जल लेने के बाद शंकर क्या कहने लगा, वो करता मंगे वाले की जय, चराने वाले की जय, जय गोविंद, जय
सीताराम भगवान की जय। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः स्वाहा। ओम परमणमने विद्महे परमात्मने धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात् स्वाहा। ओम प्रणाय स्वाहा इदं प्रणाय मम। ओम अपानाय स्वाहा इदं अपानाय मम। ओम व्यानाय स्वाहा इदं व्यानाय मम। ओम उदानाय स्वाहा इदं उदानाय मम। ओम शमानाय स्वाहा इदं शमानाय मम। ओम सूर्योज्योति ज्योति सूर्ये स्वाहा। ओम सूर्यवर्चे ज्योतिवर्चे स्वाहा। ओम सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम सर्जन सर्ता जूषाण वेतु सूर्य वेतु स्वाहा। ओम अग्नि ज्योति ज्योतिर्ग्नि स्वाहा। ओम अग्निवर्च ज्योतिवर्चे स्वाहा। ओम अग्नि ज्योति ज्योतिर्ग्नि स्वाहा। ओम सर्जन सर्ता जूषाण वेतु अग्नि वेतु स्वाहा। ओम श्री सूर्या नमः स्वाहा। ओम श्री चंद्रमा नमः स्वाहा। ओम श्री भौमा नमः स्वाहा। ओम श्री बुद्धा नमः स्वाहा। ओम श्री बृहस्पति नमः स्वाहा। ओम श्री शुक्राय नमः स्वाहा। ओम श्री शम 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 शनिश्चराय नमः स्वाहा। ओम श्री राम रायवे नमः स्वाहा। थोड़ी सामग्री। ओम श्री केतवे नमः स्वाहा। ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्य नमः स्वाहा। ओम श्री उमा महेश्वराभ्य नमः स्वाहा। ओम श्री सचिप्राणाभ्य नमः स्वाहा। ओम श्री माणिक्याभ्य नमः स्वाहा। ओम श्री मातपिता चणकभ्य नमः स्वाहा। ओम श्री इष्ट देवताभ्य नमः स्वाहा। ओम श्री कुल देवताभ्य नमः स्वाहा। ओम श्री ग्राम देवताभ्य नमः स्वाहा। ओम श्री वासुदेवताभ्य नमः स्वाहा। ओम श्री सर्वेभ्य देवेभ्य नमः स्वाहा। ओम श्री सर्वेभ्य ब्राह्मणेभ्य नमः स्वाहा। अब पांच पांच आवृत्ति आप भी आकर के छोड़ सकते हैं, जिस किसी को छोड़नी हो, ठीक है। और आप अपने स्थान पे रहोगे, ठीक है, छोड़ो। ओम परमणमने विद्महे परमात्मने धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात् स्वाहा। ओम गौरीपुत्राय विद्महे विदुरराजाय धीमहि तन्नो गणेश प्रचोदयात् स्वाहा। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। ओम पद्मिनी गर्भाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात् स्वाहा। ओम येवागीश्वरी विद्महे कलेश्वरि धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात् स्वाहा। ओम प्रतिभ्य देवेभ्य विद्महे शेषपुत्रे धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात् स्वाहा। ओम परमंता विद्महे महात्मा धीमहि तन्नो हंत प्रचोदयात् स्वाहा। ओम दशरथ विद्महे अवलेवा धीमहि तन्नो रामचंद्र प्रचोदयात् स्वाहा। ओम दशरथ विद्महे अवलेवा धीमहि तन्नो लक्ष्मण प्रचोदयात् स्वाहा। ओम दशरथ विद्महे अवलेवा धीमहि तन्नो भरत प्रचोदयात् स्वाहा। ओम दशरथ विद्महे अवलेवा जन्म 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 जन